आपका स्वागत है और हमारे पास आज फिर हैं बाड़ी ब्राह्मण इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान श्री ललित महाजन। ललित महाजन जी, जम्मू में एक मिथ सा हो गया है कि यहाँ पर यूटी के बाद जो यहाँ पर छोटे 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 चाहे वो कोई नर्सिंग हाउस थे, छोटे हॉस्पिटल थे, इंडस्ट्रीज है, वो लोग यहाँ से चले गए। एक तो कश्मीर में हुआ, उसका असर जम्मू में पड़ा, और दूसरा ये आम जम्मू में धारणा ये बनी है अधिकतर कि यूटी का लाभ जम्मू को नहीं मिलेगा, खास करके व्यापार में। कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा है जी, इसमें मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि जम्मू को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप हमारी स्टेट की लोकेशंस देखिए, कश्मीर इज मेंट फॉर टूरिज्म, लेह इज मेंट फॉर टूरिज्म, जम्मू इज मेंट फॉर इंडस्ट्री। जम्मू में हमारा जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, 24 घंटे पावर सप्लाई है जम्मू में, लैंड की अवेलेबिलिटी है, और एक सबसे जो अभी प्लस पॉइंट ये हो गया हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो अनाउंस कर दिया है कि प्राइवेट लैंड पे भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हो। उसके लिए पहले क्या होता था कि कोई भी जो प्राइवेट लैंड पे इंडस्ट्री लगाता था उसको क्या था कि उसको लोकल एक पार्टनर रखना पड़ता था, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने वो भी कंडीशन रिमूव कर दी है। अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस जहाँ मर्जी जाए जम्मू में, यहाँ लैंड वो परचेज करके वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हो, और वो बेनिफिशियल है। जो लैंड लीज भी होती है उसके लिए, और जो लैंड अपना फ्री होल्ड राइट्स होते हैं उसके लिए बड़ा फर्क होता है। ललित जी, ये कहा जा रहा है कि जैसे पहले यहाँ पर एक कानून था इंडस्ट्रीज में, आप इंडस्ट्री अगर बाहर वाले लगाते हैं तो इतने परसेंट, 25% या 30% लोकल जो है वो एम्प्लॉय को उन्हें आवश्यक देना पड़ेगा। अब चूंकि कोई भी आ सकता है तो क्या ये धारणा रहेगी, या वो सारे लेबर भी स्किल्ड अनस्किल्ड बाहर से लाएंगे तो जम्मू वालों को क्या होगा? सर देखो, उसमें ऐसा है कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि जम्मू में जो हमारी स्किल्ड लेवल अवेलेबल नहीं थी। अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने 2014 से लेकर जब स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, उसमें हमारे जम्मू के बच्चों को या कश्मीर के बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। और देखिए, बड़ी क्लियर बात है, अगर उन लोगों को यहाँ जॉब मिल जाती है वो बाहर को जाएंगे। आज एक जो बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, उसको अगर 1,00,000 रुपये उनको मिल रहा है वहाँ पर महीने का, जम्मू में उसको अपने घर पर बैठे 50,000 मिलेगा तो वो यहाँ पर प्रेफर करेगा। और हमारी भी ये तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो आएंगे उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि हमारी लोकल जो लोग हैं, लोकल जो जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दीजिए इन कंपैरिजन टू बाहर का। बाकी हाँ, और ये नीड ऑफ दी आवर है कि स्किल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे बड़ी जरूरी है। जैसे फार्मा सेक्टर में हम यहाँ फार्मेसी के कॉलेज जो अभी कश्मीर में है श्रीनगर में नहीं है, तो इसलिए हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि स्किल डेवलपमेंट पर जितना जोर देंगे लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट होगा, और इंडस्ट्री वाले जो लोकल लोगों को लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो बाहर से मंगाने में। बड़ी ब्राह्मण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जम्मू में सबसे बड़ा उद्योग टाउन है, लंबे समय से आप उसमें हैं, तो क्या आने वाले समय में कुल मिला के फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? सर ऐसा है कि जो अभी जो हमारे को जो पता चल रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स ला रही है, और हम उससे उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा इंसेंटिव पैकेज ऑफ इंसेंटिव आएगा। उसमें हमारे अनुराग गोर्धन साहब की भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नवीन चौधरी जी हैं हमारे जो प्रिंसिपल सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, वो काफ़ी इस पर फाइट कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जो यूनिट यहाँ बंद हो चुके हैं पैकेज विड्रॉ होने से, उनके लिए भी कुछ किया जाए, उनको कोई री एडमिनिस्ट्रेशन का पैकेज दिया जाए, उनको कोई सॉफ्ट लोन दिया जाए। अभी एक हमारे यहाँ पे छोटा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कहते हैं नहीं जी, हमारी जो यूनिट बंद पड़े हैं गवर्नमेंट उसको अक्वायर ना कर ले। तो मेरी तो रिक्वायर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनको अक्वायर करने की जगह आप उनको सॉफ्ट लोन दीजिए, उनको रिहेबिलिटेट कीजिए। लोकल सन ऑफ दायर है वो, एक एक छोटे यूनिट अगर आज बड़ी बन में 75 यूनिट बंद पड़े हैं, आज उनको आप आगे लाइए, उनको पैसा दीजिए और वो काम करें, तो आज वो एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट करेंगे ना, और तो आज वो सारे सन ऑफ द सॉयल। और ललित जी, आपकी बात से प्रमाण हो गया जो प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ सबका विकास, और जो कुछ भी 370-35 को हटाया गया है वो और ज़्यादा देश को एकता, पूरा एक ही विधान और एक ही संविधान, साथ ही साथ
जम्मू जो सतेली माँ का व्यवहार इन शासकों को सहता रहा है अब नहीं सहेगा, और आपकी बातों से भी ये प्रमाण हो गया है जहाँ कोई पहले त्रुटियाँ हैं उसे यहाँ दूर किया जाएगा और एक उज्ज्वल भविष्य उद्योग का होगा। ललित जी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे भी लेते हैं इजाज़त।